5 अक्टूबर से वर्ल्ड कप के मैच शुरू होने वाले हैं, वो भी भारत में, क्योंकि इस बार मेजबानी भारत कर रहा है। और पहला मैच यहां पे देखिए अहमदाबाद में खेला जाएगा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, और काफी तौर पे इसकी तैयारी भी काफी अच्छे से चल रही है। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि भविष्यवाणी का दौर फिर से चल उठा है। जी हाँ दोस्तों, एक और दिग्गज खिलाड़ी, जी हाँ भारतीय पूर्व दिग्गज खिलाड़ी आकाश चोपड़ा ने इस बार भविष्यवाणी कर दी है। इस बार उन्होंने एक भविष्यवाणी के तौर पर बताया कि सबसे ज्यादा रन कौन बनाएंगे और एक बयान देते नजर आए। तो चलिए एक बार उनके बयान पे ही नजर डालते हैं कि उनके हिसाब से इस बार का टॉप स्कोरर कौन रहेगा। जब हम टॉप 3 टीमों को देखते हैं तो लगता है कि हमसे बेहतर कौन है, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, इस तरह की फीलिंग की वजह शुभमन गिल, रोहित शर्मा और विराट कोहली हैं। रोहित ने 9800 से ज्यादा रन बनाए हैं, वे 30 शतक लगा चुके हैं, इसलिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रोहित बड़ी पारी खेल सकते हैं। उनका औसत 49 के करीब है और स्ट्राइक रेट 90 के करीब है। रोहित और शुभमन एक दूसरे के पूरक हैं। शुभमन भी रोहित की तरह ही है, उनका 27 मैचों में 62 के करीब औसत है। तो दोस्तों आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा का नारा लगाते दिखे आकाश चोपड़ा। जी हाँ दोस्तों, वो कहते हैं कि मैं और टीमों को भी देखता हूँ, फिर मैं भारत की टीम को देखता हूँ जो इनके टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है। देखिए यहाँ पे जो 3 ओपनर्स हैं, उन्होंने ईशान किशन को मिस कर दिया है। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे जो 3 ओपनर्स के दावेदार हैं, ईशान किशन, शुभमन गिल और रोहित शर्मा, ये तीनों ने ओडीआई क्रिकेट में 200 का आंकड़ा पार कर रखा है इंडिविजुअली, मतलब कि ये 200 क्लब में है। जी हाँ दोस्तों, इन तीनों खिलाड़ियों ने 200 रन बना रखे हैं, 200 रन से ऊपर ही बना रखे हैं। कि उसके बाद देखिए विराट कोहली आते हैं जनाब, तो वो तो रन मशीन है ही अपने आप में, और उनका भी बेस्ट 183 है, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ ही उन्होंने बनाए थे। कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे आकाश चोपड़ा की बात एकदम सटीक है कि यहाँ पे सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, जब भी बल्लेबाजी की बात आएगी तो भारत को ही कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भारत के आंकड़े काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। बेशक पाकिस्तान भी अच्छा खेलता नजर आ रहा है, क्योंकि बाबर आजम उनके पास है, ICC नंबर 1 पे है बाबर आजम, पर लेकिन हमें भी ये बात देखनी पड़ेगी कि यहाँ पे भारत के पास भी वो बल है, वो ताकत है, वो स्ट्रेंथ है कि वो वर्ल्ड कप जीत सकती है। बड़े बड़े खिलाड़ियों ने यहाँ पे मिस्टर 360 तक ने ये कह दिया है कि आप इस बार का वर्ल्ड कप जीतेंगे, मतलब कि भारत इस बार का वर्ल्ड कप जीतेगी। देखिए वर्ल्ड कप तो 5 अक्टूबर से शुरू है, बाकी आपको क्या लगता है कि यहाँ पे भारत में कितना दमखम है, क्या वो वर्ल्ड कप जीत सकती है, और आप आकाश चोपड़ा के स्टेटमेंट से कितने सहमत है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ साथ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और देखते रहें तूफान स्पोर्ट्स।